कोशिश की। किसी ने एक सवाल किया कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को मायके जाने ना दे तो वाइफ क्या करें, समझाए भी तो नहीं मानते, अगर गए तो वापस नहीं आना बोलते। ठीक है, बड़ा अहम सवाल है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को मायके नहीं जाने देते तो वाइफ क्या करें। देखिए, जनरली ये बहुत कॉमन चीज़ है और बहुत कॉमन मसला है। ये मसले को मैं दोनों तौर से समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद समझ में आया तो बहुत बड़ी बात होगी। मेरी एक बहू और मेरी एक बेटी है, ऐसे भी मेरे बेटे बहुत छोटे हैं लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ। ठीक, मेरी एक बहू और मेरी एक बेटी है। मेरी बहू ने कभी अपने मायके नहीं जाना क्योंकि ये मेरे ख़ानदान के उसूलों के खिलाफ, और मेरी बेटी ने हर रोज़ मेरे घर आना उसके ससुराल से निकल कर, चूँकि हमारे ख़ानदान की प्रथा है। ये उसूल मुझे कभी भी समझ में नहीं आया आज तक कि एक ही आदमी के दो स्टैंडर्ड कैसे होते एक ही मसले में, समझ रहे आप। मेरी बेटी ने मेरे घर रोज़ आना, हफ्ते में आना, दावत में आना, जुमागी में आना, आकर यहाँ दिन दिन भर पड़े रहना, साल साल भर पड़े रहना, छः छः महीने पड़े रहना, उसकी औलाद की पैदाइश सब मेरे पास होना, क्यों तो मैं बाप हूँ और फ़ख्र से कहता हूँ ये मेरी बेटी है। लेकिन किसी और की बेटी जो मेरे बेटे की निकाह मतलब मेरी बहू है, इसने कभी नहीं जाना, एक घंटे के लिए नहीं जाना, आधे घंटे के लिए नहीं जाना, गई तो फलां होंगी, चालबाजी कर रही होंगी, फलां कर रही होंगी। लेकिन उसके ससुराल वालों ने मेरी बेटी की ये सोचना कि जब मेरे घर आती है तरबियत याफ्ता होकर जाती है, लेकिन मेरी बहू जब उसके घर जाके आती है तो बिगड़ कर आ जाती है। ये दो उसूल एक ही आदमी के एक ही मसले में कैसे होते मुझे आज तक समझ में नहीं आया, समझ रहा। माँ बाप का रोना, मेरा बेटा देखो इतने, अब माँ का रोना समझो, बाप का रोना, मेरे बेटे को मैंने इतनी मेहनत से पाली, बड़ा करी और बीवी का गुलाम बन गया। क्या बन गया? बीवी का गुलाम, उसके लिए खास लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है, मैं बोलना नहीं चाहता, ठीक है। किसका गुलाम? मेरा बेटा जो है बीवी का गुलाम बन गया, उसके लिए एक लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते एग्जैक्टली उर्दू के अंदर एक आम टर्मिनोलॉजी में, स्लैंग में, उसका गुलाम बन गया। क्या गुलाम बन गया? आपका बच्चा जो है आपकी बीवी का, उसकी खिदमत करता, हाँ, उसके कभी पैर दुखे तो पैर दबा देता, बावर्ची खाने में कभी फुलां हो गए तो उसके खाना बनाने में हाथ दे देता। बहुत गिर गया, मैंने ऐसा पाल के बड़ा की थी, हमने ऐसा पाल के बड़ा किए थे, हमारा बच्चा तो बीवी का गुलाम बन गया। वेरी गुड, अल्लाह गलत हुआ ना, हाँ ठीक। अल्लाह ने क्या दामाद नसीब किया मेरे को, बेटी को तो हाथ मिलने की घूमता हमेशा, पैर दबाता उसके पैर दुख गए तो, उसको उठा के ये करता, उसके एजुकेशन में मदद करता, उसको खाना बनाने तो खुद रोटियां डाल लेता। क्या दामाद मिला मेरे को, फरिश्ता सिफत, और मेरा बेटा कमीना हो गया, देखो बीवी का गुलाम बन गया। लेकिन वही काम वो आपका दामाद बेटी के साथ करे तो वो फरिश्ता सिफत, और वही काम अगर आपका बेटा बहू के साथ करे तो कमीना इंसान। एक ही आदमी के एक ही चीज पर दो स्टैंडर्ड कैसे हो सकते, मुझे आज तक समझ में नहीं आया ये उसूल, ये रूल समझ में नहीं आता मुझे। बेटी के लिए स्टैंडर्ड अलग और बहू के लिए स्टैंडर्ड अलग, तब ये उसी का एक मसला है, उसी का एक मसला है। हाँ, अगर लड़की के मतलब मायके वालों में और दामाद में कुछ अनबन है, कुछ मसला है जिस वजह से वो जाने नहीं देते, तो इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ मेरी ऐसी बात करने से ये मसला हल होने वाला नहीं है। लेकिन अगर सब कुछ नॉर्मल है, कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई मसला नहीं है, उसके बाद भी नहीं जाने देते, तो मैं ये सवाल कर रहा हूँ उस हस्बैंड से, क्या तुम्हारा तुम्हारी बहन के बारे में जिसकी शादी हो गई यही राय है कि वो कभी ना आए तुम्हारे घर? एक सिंपल क्वेश्चन कि तुम्हारी बहन तुम्हारे घर कभी ना, यही तुम्हारी राय है? नहीं नहीं, छोटी को तो मैंने गोद में पाला, अब्बा के साथ साथ मैं भी पालता था, बड़ा भाई था मैं, तो छोटी तो घर आना, और किसी और की छोटी जो तेरे निकाह में उसने नहीं जाना? ना, तुम नहीं आ सकते, वो भी तो उतनी लड़की है ना, उसके भी भाई है, उसका भी उधर बाप है, उसकी भी उधर बहनें हैं, उसके भी उधर चाहने वाले रिश्तेदार है, तो मेरी बहन मेरे घर आई ये मेरे लिए फख्र है, और मेरी बीवी कहीं जाए मेरे लिए झगड़े का मामला है। अच्छा, एक ही औरत जो मेरी माँ है, समझ लीजिए मिसाल के तौर, मेरी बहन घर आ रही है, बेटी घर आ गई, दिल बाग बाग हो गया, बहू को जाना है? नहीं, तुम नहीं जा सकते, कह को जाना है, क्या काम है, लीव नोट लिखो, परमिशन लो, कल देखूंगी, परसों देखूंगी, तरसों देखूंगी। अब बेटी आ गई जैसे थे, समझो बेटी आई है, बहू नहीं, बेटी आई, क्या हुआ बेटे, तेरी सास ने छोड़ी तेरे को आसानी से? वो तो ऐसी है, तो ऐसी है, फलां है, ये है, वो सब कुछ हो रहा है। जब तुम उसकी सास को बुरा कह रहे हो चूंकि तुम्हारी बेटी को आने नहीं देती, तुम भी सास हो, अपनी बहू को जाने देती होंगी उम्मीद करता हूँ। दो स्टैंडर्ड में कोई, बस ये डबल स्टैंडर्ड वाला ही मसला मुझे समझ में नहीं आता।
حدیث میں الفاظ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے روز قیامت سب سے بدترین وہ لوگ ہوں گے جو دو رخی ہوں گے, مطلب ان کے ایک ہی معاملے میں دو مزاج ہوتے ہیں. جیسا کہ ایک آدمی سے ملے السلام علیکم کیسے کیا ہے فلاں ہیں وہ کرے, اور دوسرے ٹائم اس سے ملے کسی اور سے ملے اور بڑے ارے وہ فلاں ایسا 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 ایسا, تو یہاں ملے تو جھک کے ملے اس سے اور اسی کے بارے میں جب دوسرے سے ملے غیبت کرتے ہو, دو رخا پہلو ہو گیا نا ایک ہی آدمی کے بارے میں, اس کو بولتے دو رخی آدمی. مطلب جس کا منافق اس کی سب سے بہترین مثال ہے. منافق کیا کرتے ہیں, ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اندر کفر ہوتا ہے. تو یہ آدمی آپ کے سامنے تعریف کر رہا ہے آپ کے جھک کے اسلام کر کے کیسے بہت آپ کا کیا بولنا تعریف, دوسرے سے مل کے بولتا ارے وہ اس سے گھٹیا انسان تو پورے شہر میں نہیں اپنے, تو یہ دو رخ ہو گیا نا اس کے, دو رخی لوگ سب سے بدترین ہوں گے. تو کیوں دو رخی بنتے ہوں, اب کتنا بھی بولو کتنا بھی سر پٹکو مسئلہ وہی ہے, اپنا ہے تو بچہ سمجھ رہے نا, دوسروں کا ہے تو بہرحال سمجھ جائیے, یہی حالت ہے ہماری کہ نہیں بیوی نے نہیں جانا. تو میں یہ کہتا ہوں جو شخص یہ کہے بیوی نے میں کہ نہیں جانا تو اس کا اسٹرکٹ رول ہو اس کی بہنیں کبھی گھر نہیں آنا, کیونکہ اس نے بھی وہی چیزیں وہاں سہولت دینا چاہیے. جیسا آپ کی بیوی کی جانے سے پورا سسٹم خراب ہو جاتا ہے ویسے آپ کے بہن کے آنے سے وہاں کا سسٹم خراب ہو جاتا ہوں گا, سمجھ رہے. اگر اس کی ساس بہن کی اس کو آنے نہیں دیتی وہ بری عورت ہے, تو پھر اگر میری ماں بھی میری بیوی کو نہیں جانے دیتی تو یہ بھی بری عورت ہے. ایک ہی گناہ کرنے پہ دو سزائیں یا دو بدلے نہیں مل سکتے کہ اس کی تعریف ہو میری ماں نے میری بہو کو نہیں بیوی کو نہیں بھیجی, کچھ وجہ ہوں گی, تو وہ عورت نے بھی آپ کی بہن کو نہیں بھیجی تو کچھ وجہ ہوں گی. اچھا چلو یہ فیز بھی گزر گیا زندگی کا, اب میں بیٹی والا بن گیا, اب میری بیٹی کو میں بلا رہا ہوں گھر آنے تو جھگڑے کے لیے تیار ہوں, کیسا نہیں آنے تم میری بیٹی گھر پر, لیکن تم نے کسی کی بیٹی کو جو اپنے نکاح میں لیے تھے کبھی جانے نہیں دی بس, تب تو تمہارا رول الگ تھا, اپنی بیٹی کو تم روز گھر بلانا چاہتے ہو لیکن جب تم نے شادی کی تھی تو کسی کی بیٹی کو کبھی جانے نہیں دیا تم نے. لیکن میں ایک چیز یہاں نصیحت یہ بھی کروں گا لڑکیوں سے عورتوں سے, وہ یہ ہے بار 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 میکے جانے کا سسٹم بھی نہ رکھیں, یہ چیز کو بھی آپ سمجھیں, یہ سب کے لیے, میری بیوی کے لیے تو میری بیٹی کے لیے اور میری بہن کے لیے سب کے لیے بولے, اس کو چینج کیجیے. کیوں, تو سب سے پہلی غلطی جو آپ سے ہوتی ہے میری بہنوں وہ یہ ہوتی ہے آپ جا کر کسی اور گھر میں رہتی ہے لیکن ہمیشہ گن کسی اور گھر کی گاتی ہے جس سے سارے پرابلم شروع ہوتے ہیں. ایسے دیکھیں یہ گھر سے نکلی اپنے سسرال چلے گئے, وہاں جا کر اگر کوئی یہ کہے ہمارے ابا کے گھر تو یہ بہت اچھا ہوتا تھا تو پھر یہ کیا بولتا, آپ جانے دیتا کہ پٹھی پہ وہ دیکھ بہت تعریف کرتی ادھر کی, یعنی ہمارے امی کے گھر پہ تو یہ ہوتا. کیوں, یہ کمپیریزن کبھی بھی صحیح نہیں ہے, یہ کمپیریزن کرنے سے مسائل بڑھ جاتے ہیں, ان نیسسری ہر بار والدہ کے پاس جانے سے پرابلمس ایشوز کریٹ ہوتے ہیں. ٹھیک, اسی طرح والدہوں کو گھر کی دوسری عورتوں کو یہ نصیحت کروں گا جب آپ کی بیٹی گھر پہ آتی ہے تو کبھی مت پوچھیں سسرال میں سب اچھے تو ہیں نا, کیوں پوچھتے ہو, اس نے زن کیوں نہیں رکھتے ہو کہ سب اچھا ہوں گا برا ہوں گا تو وہ خود بولیں گی, کریت کریت کی مطلب نہیں بھی ہے تو زخم کرو وہاں, کیسا لگ رہا کیسا لگ رہا کیسا لگ رہا, تھوڑی دیر بعد خود زخم ہو جاتا ہوں, نہیں تمہاری وہ جو ساس ہے نا بہت خطرناک دکھتی میرے کو, کیسے رہتی تمہارے ساتھ کیوں پوچھے آپ نے کوشچن, اگر خطرناک تھی تو وہ خود آ کر آپ کو بولیں گی میری ساس خطرناک ہے. یہ سارا جو میس ہے نا ہمارا کریٹ کیا ہوا ہے جس کا نتیجہ یہ کہ کبھی اچھی لڑکیوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے اور کبھی برے لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے, کہیں نہ کہیں پرابلمس ہوئے ہم نے کیے پرابلمس کہ یہاں سے اس گھر گئی لیکن گن یہی گھر کے زندگی بھر گاتے رہے, ہمارے بھیا تو ایسے ہمارے بھابیاں تو ایسے ہمارے فلاں تو ایسے ہمارے ابا تو ایسے ہماری دعوتیں تو ایسی ہمارا خاندان تو ایسا, اب جہاں چلی گئی ہو اب وہ سب کچھ تمہارا وہ ہے, تمہارا شوہر ویسا اور تمہاری ساس ویسی اور تمہارے ننند اور وہ سب ادھر کا بولو اب وہ ہے تمہارا, یہاں کے بولو کہ وہاں ایسا اچھا چل رہا ماشاء اللہ ان کی اچھائیوں کو ہم نے اڈاپٹ کرنا چاہیے, تو کہیں نہ کہیں پرابلم ہم سے بھی ہو. جس کی ایک مثال میں دیتا ہوں اسے سمجھنے کے لیے, میں نے لڑکیوں کو پڑھایا اپنی, کیوں پڑھایا کیوں پڑھایا, اس لیے نہیں پڑھایا کہ تعلیم یافتہ ہوں, اس لیے نہیں پڑھایا کہ ان کے بچوں کو پڑھا, اس لیے نہیں پڑھایا کہ دنیا کا علم رکھیں گی تو اس کو کوئی دھوکہ نہیں دیں گا, اس لیے نہیں پڑھایا کہ علم حاصل کریں گی تو اللہ رسول کو بھی جانیں گی. میں نے اپنے بچوں کیوں پڑھایا, بیٹی تم کو خوب اچھا پڑھنا ہے تاکہ برا شوہر ملا تو تم اپنے پیروں پہ کھڑی رہنا, ایک مقصد سے پڑھایا. اب بچی بڑی بھی یہی ماحول میں پڑھ لکھ لی, اب شادی ہو گئی, اب تھوڑی سی انبن ہو گئی اس شوہر کے ساتھ, اب جیسی انبن ہوئی تو بیٹی کیا بولتی, میں پڑھی لکھی ہوں ارے اکیلے رہ سکتی ہوں, جب چاہے تم چھوڑ دو, لات مارتی تمہارے جیسے کئی لڑکوں کو,
तो आपकी पढ़ाई ने पूरा मेस क्रिएट कर दिया, क्योंकि पढ़ाई का मकसद ही सही नहीं था, डायरेक्शन सही नहीं था उसका, समझ रहे हैं आप बात को। तो प्रॉब्लम यहाँ है हमारे पास कहीं ना कहीं। तो अपनी बहनों से भी गुजारिश करूंगा, हर बार मायका मत याद कीजिए, इससे प्रॉब्लम्स खड़े होते। अब ये घर है आपका खुशी का, यही घर है आपके गम का, यही घर है जहां आपको तमाम चीजें करना है। कौन सा? शौहर वाला घर। अब हो रहा क्या, लड़की शौहर के घर पर, कोई खुशी हो गई तो पहले क्या कर रही, मानू खुशी होती अपने मायके फोन करके बोल रही, और इधर किसको भी खबर नहीं, तो क्या होता है इससे प्रॉब्लम, दुश्मनी खड़ी होती कि जिस घर में अब तुम आ गई हो, इस घर को अपना क्यों नहीं समझ रही हो, पहले ये घर, पहले यहाँ बोलना था कि अम्मी ये हो गया, अब्बा सास ससुर को जो भी नाम से पुकारते हैं, अम्मी ये हो गया, अब्बा ये हो गया, फलां ये हो गया, शौहर ये हो गया, ये खुशी मनाते, फिर ये लोग भी आपकी खुशी में शामिल होते हैं, और ये लोग भी मिलकर वहाँ खुशी का इजहार करते कि हाँ ऐसा हुआ, मेरी बहू ने ये कामयाबी कर ली, मतलब बाप ये बोले कि मेरी बेटी ने वहाँ ये करी, ससुर बोलना चाहिए, और ससुर बोलेगा कि मेरी बहू ने ये कर ली, अपने समधी को, समधी साहब मेरी बहू ने, तो कहेंगे मेरी भी तो बेटी होंगी तुम्हारी बेटी, मेरी बहू ने ही करी, तो यहाँ उसकी अपनाइत होंगी। अब ये यहाँ रहकर भी वहाँ के गुनगारे, यहाँ रहकर भी खुशियाँ वहाँ बांटी जा रही, यहाँ रहकर भी वहीं जाके खुश होते, यहाँ रोने वाली सूरत बनाते, तो प्रॉब्लम यहाँ होता है। तो मैस दोनों तरफ से, जिसका नतीजा ये होता है कभी अगर अच्छे लोगों को भी बुरे माहौल में भुगतना पड़ता है। तो लिहाजा आपकी खुशी और गम अब उस घर से जुड़ा है, क्योंकि आपका शौहर जहाँ है वो आपका घर है, याद रखो। तो अब उसको अव्वल बनाओ, उसको प्रायोरिटी दो, बताओ कि ये घर मेरे लिए सब कुछ है, मेरी खुशियाँ और मेरे गम मैं यहाँ बांटूंगी। तो आज भी ये कि गम हो गया कोई, ऐसे लड़कियों का ऐसा होता है, गम होगा दिल में छुपा हुआ है गम, उसके बाद 2 महीने बाद मायके जाने को मिला, पूरा गम वहाँ निकल रहा। तो आपने ऐसा क्यों सोचा कि यहाँ कोई गम खार नहीं है आपका, आपका गम बांटने वाला, आपका खार बोलते खाने वाले को, वैसे यहाँ गम खाने वाला क्यों नहीं है आपका, आपको ऐसा लगा? आपका शौहर, आपके बच्चे, नहीं मैं वहां जाके, आपको खुशी है यहाँ नहीं मना रहे, घुन्ने बन के बैठे मुंह सुझा के वहां जाके मना रहे, शौहर ही बोलता वहां तुम्हारा चेहरा अलग रहता, मेरे घर में अलग रहता, अब नहीं जाने देता। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में हम भी शामिल हैं, मेरी बहनें भी शामिल हैं, मेरी बेटियां भी शामिल हैं, हमने भी कहीं ना कहीं मैस क्रिएट किया, जिससे एक नफरत का माहौल पैदा हुआ, और लड़कों को ये लगा वहां खुश रहती यहाँ नहीं रहती, अब सजा के तौर पर बताता, वहाँ फुलां करती यहाँ नहीं करती, वहाँ कंप्लेंट सा करती, यहाँ मुझे नहीं बोलती कि यहाँ तकलीफ है मेरी माँ से, वहाँ बोलती, फिर ससुर साहब मेरे बोलते कि तुम्हारा घर में क्यों ये सब, ये घर आपका है जहाँ आप गए आपके शौहर के साथ, उसको अपना बनाइए, वो घर आपका है, आपका था और आपका ही रहेगा, शादी हो गई आप उसका पार्ट, समझ रहे, पूरी जिंदगी आपके बच्चे उस घर में रहे। तो लिहाजा कहीं ना कहीं ये होता है, जिसके वजह से अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मैं नौजवानों से अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा, डबल स्टैंडर्ड लाइफ में जिए, अपनी बहन के बारे में सोचते हुए आया जाया करें, खाया पिया करें, खुशी में शामिल हो, अपनी बीवी को जाने दिया करें। मजबूरियाँ एक अलग चीज़ होती है, मजबूरियाँ हो सकती है, कई मजबूरियाँ भी होती हैं, जिस घर में आप हैं वहाँ रहना आपकी मजबूरियाँ बन जाती है, सपोर्ट नहीं है, बूढ़े इसके वालदैन के साथ कोई नहीं है, अकेले है, मजबूरियाँ भी, तो उस मजबूरी कंसिडर कीजिए, ये ऐसा रूल मत बनाइए, थम रूल जैसा होता है ना, ऐसा करना है जाना है तो जाना है, तुम्हारे घर में को मरो या जियो, मत कीजिए, समझदारी अख्तियार कीजिए, कुर्बानी और आजीजी बताइए, इनके सारी का इजहार कीजिए, तो ये आदमी भी खुद आपको ले जाकर छोड़ा करेंगे। तो बातों को समझिए, इस घर को अपना समझिए सबसे पहले। दूसरा लड़कों से कहूँगा, अपनी बीवी को मौका दीजिए, जैसा अपनी बहन को आप चाहते हैं घर आए करे, वैसा उसको भी बेचारी को आप मौका दीजिए वो जाया करे, जैसा एक सास ससुर जो अपनी बहू को बेटी उनकी होती है वो चाहते, एक माँ बाप जो अपनी बेटी को चाहते हुए आए, वही माँ बाप अपनी बहू को भी मौका दे कि वो भी जो है अपने मायके जाए, वो भी खुश रहें वहाँ, ठीक है, जैसा ये बातें करती आकर वैसे वो भी करें। मैं जानता हूँ जाहिर सी बात एग्जैक्टली ससुराल में वैसे रिश्तेदार नहीं होते जो मायके में होते हैं ना, वो अलग बात है, मैं जानता हूँ, लेकिन बहरहाल उसके बावजूद भी जैसा हमारी बेटी हमारे घर आती हमको खुशी होती, हमारी बहन आती हमको खुशी होती, किसी और की बेटी बहन को भी उनके घर जाने दिया करें आप, ताकि वो लोग भी खुश हो। अब एक यहाँ मसला है, एक वार्निंग मैं ज़रूर दूंगा लड़के को भी और लड़के के माँ बाप को भी, सास ससुर और शौहर को वार्निंग दे रहा हूँ एक लड़की के बारे में, इसकी बीवी और उनकी बहू के बारे में। जब भी बहू घर से निकल जाए, जब भी बहू घर से निकल जाए, जब भी बीवी घर से निकल जाए, तो एक बात आप ज़रूर नोट करना, शैतान आपको सबसे पहले आके बरगलाता है, मेरी बात लिख के रख लिया। जैसी आपकी बीवी यहाँ से मायके चले गई उसके, और जैसी आपकी समझ लीजिए बहू यहाँ से चले गई, शैतान आपको आके बरगलाता है, ये उसका बहुत बड़ा फंडा है। क्यों? तो वो चाहता है दो फर्द में झगड़ा लगने से अच्छा, मैं और मेरा भाई लड़ेंगे तो दो लोग लड़ेंगे, मैं और आप लड़ेंगे दो लोग लड़ेंगे, मियाँ बीवी लड़े, मियाँ बीवी लड़ने से दो खानदान लड़ते हैं,
जितना ग्रेटर लॉस होगा, जितना बड़ा डैमेज होगा शैतान को, उतनी ज़्यादा खुशी। तो वो जाते ही क्या करता है, आपको बीवी के बारे में एक नई पूरी छोड़ देता है आपके ख्याल। जैसा एक मिसाल देता हूँ, एक आदमी अपने घर आ रहा है लौट कर बहुत दिनों बाद, अब वो क्या सोचता, शैतान कैसा डालता, तेरी बीवी अगर जाते ही तेरे से लपट के नहीं रोई ना, इसका मतलब तेरे से मोहब्बत नहीं करती। हाँ यार, अब मैं देखता आज क्या करती हूँ। अब शैतान ना है वर्गल आ रहा, ये उसका उसका सवाल नहीं है, शैतान का डाला गया सवाल है। हो सकता तू इतना पर्दे वाला, लेकिन जब तू घर से निकलता होगा ना, उन्हें बेपर्दा रहती हूँ देख। हाँ यार, वो बेपर्दा करती हूँ, मेरे को शक तो हो रहा है उसके ऊपर। अब ये आपका सवाल नहीं था, शैतान का डाला हुआ है। जब तू घर से बाहर जाता हूँ ना, अपने सालों को मतलब तेरे सालों को बुला के, उसके भाइयों को बुला के खिलाती पिलाती, तेरा हलाल माल है ना वहाँ खर्च करती हूँ। हाँ यार, मेरे को अब शैतान डाला है। अब इत्तेफाक से घर पहुँचा और बीवी किसी वजह से पर्दे में नहीं थी। ओह, समझ रहे ना आप, यस, सारी चीजें सही थी। आप किसी वजह से आप पहुंचे और उसी दिन साले आ गए, आपके दिए हुए कुछ चीजें थी जो आपने बोले सालों को, तो उस दिन वो दे रहे, अरे ये भरती उधर, अब मेरे को पूरा पक्का समझ में आ गया। समझ रहे हैं आप, होता है यही होता है। ये किसकी तरफ से है, तो मेरी नसीहत रखी याद, ये वार्निंग है। जब भी शैतान आके बोले तेरी बीवी वहां बेपर्दा होती, तो बोलना तू निकल जा, मैं खुद देख लूंगा कि मैटर मेरा है। देखो, आप जिससे सबसे ज्यादा, देखो बीवी से जो मोहब्बत होती है ना, वो सबसे मुख्तलिफ मोहब्बत है एक शौहर की, जो किसी से भी इंसान नहीं करता, वो अल्लाह की तरफ की बनाई फितरत है ना, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो वो मोहब्बत का तकाजा तो ये है कि भरोसा, मोहब्बत भरोसे पे चलती है ना, बगैर भरोसे कोई मोहब्बत होती है किसी को कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन ठीक है भरोसा किसी चीज़ में नहीं करता तो कैसा होंगे। मोहब्बत का फितर तकाजा है भरोसा, तो आप भरोसा क्यों नहीं करते, शैतान को क्यों मौका देते। अच्छा, आप जब सोचते तो वैसा हो जाता। अब सेम मामला क्या होता, सास और ससुर, खासतौर से सास, बहू चलेगी कहाँ, मायके। अब मायके जाते, मेरी बुराइयां कर रही होंगी वहां, तो इसका मतलब तुम खुद गवाही दे रहे हो कि तुम बुरी हरकतें करते हो उसके साथ, जब ही तो बुराइयां कर रही होंगी, समझ रहा, मेरी बुराइयां कर रही होंगी। अब इत्तेफाक से तो एक आदमी आ गया, ये एक औरत आ गई जो वैसे चुगली करने वाली है, उसने आगे बोली तुम्हारी बहू ऐसा कर रही थी, है पक्का यकीन होगा। अब तुम कभी नहीं जाएंगे तुम्हारे मायके, अगर गए ना तुम तो देखो बेटे, आप इतने गए ना तो छोड़ दे इसको, दूसरी करके ला ले, ये कर ले, वो कर ले, फुलां कर ले। ये सवाल आया कहां से, शैतान ने लाया। अच्छा, मेरी बहू मेरे घर से जाए तो मेरे बारे में सास सोच रही, एक बात नहीं बोलना अपने मायके के अंदर, ठीक है डन। बेटी घर में आई, कैसी तेरी सास, क्या करी चमरा को बुड्ढी, ऐसा तो नहीं करी तेरे साथ, वैसा तो नहीं करी ना, ज्यादा करी ना, मुंडी मारोती उसके आके, मैं उसको बोल देना सीधा हो जा, मेरे को देखी नहीं अभी मेरा खानदान क्या है फलां क्या है। अपनी बेटी से अपनी सास की पूरी बुराइयां पूछूंगी, और अपने बारे में आपकी बहू ने वहां जाके मुंह तक नहीं खोलना, क्यों, अगर उसके सामने उनकी अम्मी ने पूछ लिया तुम्हारे सास का, तो बोल सास का मत पूछो बाकी सब पूछो, फिर दो रूल, फिर दो रूल, मतलब कैसा हो सकता है दोस्त। तो फिर अगर आप ये कहते हैं कि मेरी बहू अगर मेरे बारे में कहीं कहती तो मुझे बुरा लगता है, तो जब आपकी बेटी आए और वो कहे कि मेरी सास बना, तो मुंह बंद रखो बोलना, सास है तुम्हारी इज्जत करो उसकी, मेरे सामने बकबक नहीं करना, मैं भी पसंद नहीं करती मेरी बहू किसी साथ मेरे बारे में बकबक करे, ये सासों का मिजाज होता है, थोड़ा बर्दाश्त करके लेके चलो, कम नहीं वहां तो नहीं होता, फिर दो रूल यार, मसला यही है, हम जो डबल स्टैंडर्ड चलते हैं लाइफ में उससे सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते, याद रखिए, समझ रहा, तो उसने बोलना नहीं। तो ये मेरी नसीहत याद रखिए, वार्निंग, कभी भी अपनी बहू या आपकी बीवी जब घर से दूर जाए, शैतान को कोई ख्याल लाने का मौका नहीं, जब तक ये कहे कि वो आने दो फिर सोचेंगे क्या है। जितने झगड़े फितने तलाकी होती ना, जब तक मियाँ बीवी साथे नहीं होती, जिस दिन वो लेके गई या गई, प्रॉब्लम चालू हो जाती, क्योंकि तो अब शैतान क्या करता, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता, समझ रहे आप। तो ये मेरी वार्निंग याद रखिए, जब आपकी बीवी घर से जाए, खुश दिली से छोड़िए, कोई बुरे ख्यालात आने मत दीजिए, शैतान को बहकाने मत दीजिए। इसी तरह जब आपकी बहू की अपने मायके जाए, कोई बुराई मत आने दीजिए, कोई बुरी बात दिल में मत आने दीजिए, खुश दिली से भेजिए कि वो जाए, खाए पिए, अपनी माँ के साथ रहे, उसका भी हक है। लेकिन मैं ये भी नसीहत करूँगा साथ में अपनी बहनों से, हर धक्के धक्के को जाने का मिजाज ना बनाएं, इसलिए कि आपका असल घर ये घर है, आपकी खुशी और गम का आप जिम्मेदारी ये घर है, यहाँ आप घर को बनाएं, ऐसा मजबूत रिलेशन इस घर में बनाएं कि ये लोग आपके बगैर रह ना सके, याद रखिए।
ठीक है। तो बहरहाल ये दो तरफा मसला है और इसके अलावा भी कोई मसला होगा तो आप बैठ कर सॉल्व कीजिए, हस्बैंड को मनाइए, समझाइए। हस्बैंड को समझाने के आपके पास लाख तरीक़े हैं। मैं जानता हूँ बड़े बड़े हुक्मरानों के घुटने भी उनके बीवियों के सामने टिक जाते हैं, तो मैं समझता हूँ आप अपने फेमिनिटी को अगर यूज़ करें तो आपका हस्बैंड आपके लिए क्या कुछ नहीं करेंगे, मैं दावे से बोलता हूँ। लिहाजा आप वो मिजाज अख्तियार कीजिए और उस तरह से उसको मनाइए, इंशाल्लाह देखिए वो मनाने के बाद आपका हर वो काम सुन सकता है। मैंने देखा हूँ लोग अपने घर बार छोड़ देते, माँ बाप को छोड़े जिनसे पैदा हुए से बीवी के लिए, ठीक है। तो ये तो खाली आपको ससुराल नहीं छोड़ा, मनाइए समझाइए, उसके अपने तरीके होते हैं। लड़ाई झगड़ा इसका हल नहीं है, अच्छे से समझाइए। आज अगर नाराज़ है तो कल समझाइए, आज नहीं महीने भर बाद इंशाल्लाह समझेंगे, फिर ले जाके छोड़ेंगे। या वो मसले वो प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपका शौहर वहाँ नहीं छोड़ता, कुछ भी हो सकते हैं, वो प्रॉब्लम से पूछिए क्या आपको कुछ ऐसी चीज़ बुरी लगती है जो मेरे वालिद ने मेरे भाई ने की है, या कोई मोहल्ले में आपको कुछ बोलता है। अगर वो मसला है तो उस मसले को सॉल्व कीजिए कि मेरे शौहर को बुरा लगता है आप लोग ऐसा करते फलां करते, तो इंशाल्लाह मसला तो प्रॉब्लम्स क्या है बैठिए डिस्कस कीजिए, डिस्कस करके रियल जेन्युइन प्रॉब्लम्स सॉल्व कीजिए, या फिर किसी आलिम वगैरह से जिसको आपके शौहर बड़ा मानते हो उनके सामने इस मसले को रखिए ताकि इंशाल्लाह अजीज वो इसका हल दे। अगर पर्टिकुलर कोई इशू है तो उसके लिए आपको बैठकर मसला कराना, जनरल इश्यूज के ताल्लुक से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने जवाब में जो बात रखने की भारी कोशिश की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को इंसानों के साथ लोगों के साथ इंसाफ का मामला करने की भारत तौफीक अता करें। जी अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए, डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारी वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।